दशरथ मांझी की प्रेरणादायक कहानी, पूरे पहाड़ को काटकर एक रास्ता बना देने वाले बुलंद हौसले की कहानी। दोस्तों, ये मोटिवेशनल स्टोरी उस इंसान की है जिसने अपने बुलंद हौसले के दृढ़ संकल्प के कारण असंभव काम को संभव कर दिखाया। ये कहानी भारत के माउंटेन मैन कहे जाने वाले दशरथ मांझी की है, जिन्होंने अपने बुलंद हौसलों की बदौलत महज एक छेनी और हथौड़ी से पूरे पहाड़ को काटकर एक रास्ता बना दिया। दोस्तों, दशरथ मांझी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिससे हमारे देश के करोड़ों युवाओं को प्रेरणा मिलती है। दशरथ मांझी जिस गांव में रहते थे, वहां से पास के कस्बे में जाने के लिए एक पूरे पहाड़ को पार करना पड़ता था तथा उस पहाड़ के पूरे चक्कर लगाने के बाद ही दूसरी तरफ पहुंचा जा सकता था। दशरथ मांझी के गांव लोगों की छोटी सी भी जरूरत इस पहाड़ को पार करने के बाद ही पूरी होती थी। एक दिन जब दशरथ मांझी पहाड़ी इलाके में अपना काम कर रहे थे और हर दिन की तरह उनकी पत्नी फाल्गुनी देवी उस दिन भी उन्हें जब दोपहर का खाना देने जा रही थी, तब दुर्भाग्यवश अचानक पैर फिसलने के कारण वो एक पहाड़ी दर्रे में जा गिरती हैं और तत्काल इलाज न मिलने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। फाल्गुनी देवी की मौत का सबसे बड़ा कारण वो पहाड़ था जो दशरथ मांझी के गांव और शहर के बीच दीवार बनकर खड़ा था। इसी पहाड़ का कारण फाल्गुनी देवी को अस्पताल ले जाने में ज्यादा समय लग गया और उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि गांव से शहर के जाने के लिए पूरे पहाड़ के चक्कर लगाने पड़ते थे। अपनी पत्नी की मृत्यु ने दशरथ मांझी को पूरी तरह से झकझोर के रख दिया और वो सोच में पड़ गए कि कैसे एक पहाड़ के बाधा बनने के कारण वो अपनी पत्नी को नहीं बचा सके। अपनी पत्नी की मृत्यु से जुड़ी इस दुखद घटना के बाद दशरथ मांझी ने एक फैसला लिया। इसी फैसले के कारण दुनिया भर के लोगों में आज उन्हें माउंटेन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। मांझी ने अपने बुलंद इरादों से ये फैसला लिया कि वे उस पहाड़ को ही काट डालेंगे जिसके रास्ते रोकने के कारण उनकी पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई थी। इसके बाद अपने बुलंद हौसले और इरादों का परिचय देते हुए दशरथ मांझी अपनी छोटी सी छेनी और हथौड़ा से उस विशालकाय पहाड़ को तोड़ने में लग गए। जब गांव वालों ने पहली बार उन्हें मात्र एक छेनी और हथौड़ी से पहाड़ को तोड़ते हुए देखा तो लोग उन पर हंसने लगे और उनका मजाक उड़ाने लगे। कईयों ने तो उन्हें पागल भी कहना शुरू कर दिया था। लोग कहते थे कि ये अपनी बीवी की मौत के सदमे से पागल हो गया है जो इतनी छोटी सी छेनी और हथौड़ी से विशालकाय पहाड़ को तोड़ने में लगा है। इन सब के बावजूद दशरथ मांझी अपने काम में जुटे रहे। इसी तरह दिन बीतते चले गए, कई महीने गुजर गए, कई मौसम आए और चले गए। अब तो साल भी बीतने लगे थे। क्या गर्मी, क्या बरसात और क्या ठंड, इन सब की परवाह न करते हुए दशरथ मांझी सिर्फ अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कठिन परिश्रम करते रहे। उनका बस एक ही लक्ष्य था, उस पहाड़ को काट कर रास्ता बना देना ताकि जो उनके साथ हुआ वो फिर किसी और गांव के सदस्य के साथ ना हो।